हम आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाने चल रहे हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। हमारा जो लेक्चर्स होगा वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा। टेक्निकल वर्ड में इंग्लिश में यूज करूंगा, बट ये जनरली यूपी बोर्ड बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जानने से पहले आप केमिस्ट्री जान लीजिए, रसायन विज्ञान है क्या। वास्तव में रसायन विज्ञान रसायन का विज्ञान है। रसायन ऐसा कोई पदार्थ जिसमें रासायनिक बंध उपस्थित हो उसे रसायन कहेंगे। अभी आप रासायनिक बंध समझने का प्रयास न करें, आप इसको और आसान लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें। बाद में मैं बताऊंगा रसायन क्या है। पदार्थों के बारे में जानना, पदार्थ मैटर के बारे में जानना, डीपली जानना कि कोई भी पदार्थ कैसे बना है, उसकी संरचना क्या है, उसमें उसका गुण क्या है, मीठा है खट्टा है। जैसे हमने कहा कि नमक नमकीन क्यों है, नमक एक पदार्थ है, तो हम लोग उसके नमकीन के बारे में पढ़ेंगे कि नमकीन क्यों है, इस विज्ञान में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कोई भी पदार्थ हो, जैसे कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है, क्यों है, उसके बारे में जानना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। तो हम कह सकते हैं पदार्थों के बारे में अध्ययन करना रसायन विज्ञान है। चलिए तो हम लोग पदार्थ के बारे में पहले पढ़ते हैं। पदार्थ क्या है, देखिए पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो भौतिक आधार पर बांट दिया गया पदार्थ को तीन भागों में। भौतिक आधार मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को हम अगर छू के समझ सकें, देख के समझ सकें, तो भौतिक माना जाता है, और जिसको हम देख ना पाए सामान्य आंखों से उसे रासायनिक आधार पर कहा गया है। तो भौतिक आधार पे तीन प्रकार है, ठोस, नंबर दो द्रव, नंबर तीन गैस। ठोस द्रव गैस तीन भागों में बांटा गया। अब ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, शायद अभी आप कणों के बारे में नहीं जानते, अभी मैं आगे बता रहा हूं। बस आप समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जबकि द्रव में यही कण थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं या दूर दूर होते हैं। गैस में जो कण होते हैं वो ठोस और द्रव के अपेक्षा बहुत दूर होते हैं। ये तो भौतिक आधार पर तीन प्रकार हो गया, ठोस द्रव गैस। वास्तव में दो प्रकार और भी होते हैं, एक होता है बोस कंडेंसेट और पांचवा है प्लाज्मा, परंतु उनको अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी इनको केवल बेसिक आप समझ लीजिए। फिर आप जो नया चैप्टर आएगा एक ठोस द्रव गैस, उसमें आप इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब इनको जरा रासायनिक दृष्टि से हम लोग देख लें, रासायनिक दृष्टि से इनको कैसे बांटा गया है। रासायनिक दृष्टि के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो भाग है इसका उसका नाम है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अंग्रेजी में देखिए इसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं, इसको इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इनकी परिभाषा क्या है, ये केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं, केवल एक प्रकार का कण होगा। जैसे मैं उदाहरण दूं चावल, तो चावल में केवल चावल के ही दाने हैं, परंतु उसमें चावल में यदि मैं गेहूं मिला दूं, कंकड़ मिला दूं, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। अगर किसी भी पदार्थ में एक से अधिक प्रकार के पदार्थ हो, एक से अधिक प्रकार के कण हो, तो उसको बोला जाएगा अशुद्ध पदार्थ। साधारण उदाहरण आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे चीनी, चीनी एक शुद्ध पदार्थ है, परंतु चीनी में अगर आप पानी मिला दें, नमक मिला दें, तो यह अशुद्ध पदार्थ हो गया, रासायनिक दृष्टि से यह अशुद्ध पदार्थ है। तो जरा देखिए जो शुद्ध पदार्थ है इनको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक नंबर एक है तत्व, नंबर दो है यौगिक। मतलब हम ये कह सकते हैं जो तत्व और यौगिक हैं उनको शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। हाँ, रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में बांट दिया गया पदार्थों को। शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण, मैंने बता दिया, अशुद्ध पदार्थ जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण होंगे। अब जरा देखिए शुद्ध पदार्थ में पहला है तत्व,
तक तो आप जान लीजिए क्या है, जैसे मम्मी पायल पहनती है, चांदी के पायल पहनती है, तो वो क्या है, चांदी एक तत्व तो है। अगर मम्मी का पायल तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े में कर दो, तो क्या मिलेगा, चांदी का ही तो टुकड़ा मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, जो चांदी है, जो तत्व तो है, वो समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो तत्व तो क्या हुआ, शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं तत्व तो, कुल मिलाकर अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स प्राकृतिक हैं, बाकी 26 एलिमेंट कृत्रिम हैं, जिसको मनुष्य ने बनाया। प्राकृतिक मतलब प्रकृति में मिलते हैं, चाहे वो हवा में मिले, जमीन के अंदर मिले, पानी में मिले, वो प्राकृतिक हैं। अब जो तत्व हैं, ये समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तत्व तीन प्रकार के हो सकते हैं। जो भी 118 तत्व हैं, इनको तीन भागों में बांट दिया गया है, धातु, अधातु, उपधातु। बाद में डिटेल चर्चा होगी, परंतु हल्का जान लीजिए। धातु क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो धातु कहलाते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो अधातु कहलाते हैं। उपधातु जिनके पास आवश्यकता पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कमी भी हो सकती है इनके अंदर, अधिकता भी हो सकती है। अब चूंकि आप अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में शायद ना जान रहे हो, वैसे हाई स्कूल में आप पढ़ के आए होंगे, परंतु मैं मान के चलता हूं आप कुछ नहीं पढ़े हैं, मैं बेसिक लेके चल रहा हूं। अब इसी तरह दूसरा इसका हिस्सा है शुद्ध पदार्थ का, यौगिक। यौगिक क्या है, ये भी शुद्ध पदार्थ है। जैसे मैंने अगर आपसे कहा चीनी, तो जो चीनी है वो चीनी के हजारों कणों से मिलकर बना हुआ है, हजारों लाखों कणों से मिलकर बना। पानी, पानी पानी के हजारों लाखों कणों से मिलकर बना है। पानी में पानी के अलावा कुछ नहीं है, इसका मतलब पानी भी क्या है, यौगिक है। चीनी भी क्या है, यौगिक है। सामान्यतः यौगिक की खासियत मैं और बता दूं, यौगिक में कम से कम दो तत्वों का होना जरूरी होता है, कम से कम दो तत्व, और उन तत्वों का अनुपात निश्चित होना चाहिए। तो ये जान लीजिए वो यौगिक कहलाएंगे। इसकी चर्चा आगे मैं करूंगा, अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं। यौगिक दो प्रकार के हैं, कार्बनिक, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे कार्बनिक कहेंगे। बस बहुत सीधी डिफिनेशन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो। कार्बन क्या है, अभी शायद आप ना जान रहे हो, मैं आगे बताऊंगा, चिंता मत करिए। अकार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी यौगिक हो वो सब अकार्बनिक होंगे। ठीक, अब आ जाइए अशुद्ध। अभी मैं डिटेल चर्चा नहीं कर रहा हूं। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ जिसमें एक से अधिक पदार्थ मिले हों, जैसे चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध मिलाते हो चाय बन जाती है, चाय एक अशुद्ध पदार्थ है। दाल, पानी, नमक, तेल, मसाला मिलाते हो तो बनने वाली जो दाल है वो अशुद्ध पदार्थ है। अब अशुद्ध तो आप खाते क्यों, अरे भैया रासायनिक दृष्टि से अशुद्ध है, खाने में शुद्ध है, नहीं तो पता लगा हमने कह दिया दाल अशुद्ध है, घर पे जाके मार कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखिए, इसी अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहा गया, मिश्रण के नाम से क्लियर है, मिक्सचर, जहां एक से अधिक प्रकार के कण हो वही मिश्रण है। तो मिश्रण को दो भागों में बांट दिया गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। समांगी मिश्रण क्या है भैया, जैसे एक शरबत बनाओ चीनी और पानी का, बढ़िया से चीनी पानी में घोल दो, एक फाइबर के गिलास में लो, गिलास लबालब भर लो, और मैं कहूं ऊपर से एक चम्मच शरबत पियो और नीचे से गिलास में छेद कर दो सुई से, और वहां से भी एक चम्मच शरबत निकाल के पियो, क्या दोनों के मिठास में अंतर होगा, नहीं होगा। दोनों में जो कणों की संख्या होगी, मात्रा होगी, समान होगी, ऐसा नहीं है। परंतु यही बालू पानी घोल लो, फाइबर के गिलास में लबालब पानी भर लो, ऊपर से एक चम्मच निकालो पानी और बालू, और नीचे छेद करके भी बगल में एक चम्मच निकालो, बताओ किसमें कण ज्यादा होंगे बालू के, क्या दोनों में समान होंगे, ना बाबा ना। जो ऊपर वाले बालू के कण होंगे उसमें कम होंगे, नीचे वाले ज्यादा होंगे। तो परिभाषा क्या निकल के आई, समांगी मिश्रण में कण समान रूप से वितरित रहते हैं, विषमांगी में कहीं कण ज्यादा कहीं कम। तो बालू पानी का जो मिश्रण है वो विषमांगी का उदाहरण है, जबकि चीनी पानी का मिश्रण, पानी नमक का मिश्रण समांगी है, कीचड़ विषमांगी है। भाई कीचड़ में कहीं गंदगी कम कहीं ज्यादा, तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा।
ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, बाकी अभी मैं तत्व के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा और यौगिक के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है, इसके जो भी डिफिनेशन होंगी इस टॉपिक का, मैं लेक्चर सेकंड में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये फ्लो चार्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सेकंड लेक्चर में मैं हर एक टॉपिक का डिफिनेशन विद एग्जांपल आपको दूंगा, और आने कंपटीशन में आने वाले जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे मैं उसको भी बताऊंगा। क्या क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसका उत्तर आपके पास ना हो शायद, उसका भी मैं प्रश्न आपको बताऊंगा, कैसे कैसे प्रश्न इसमें बनते हैं और कैसे कैसे उत्तर बनाएंगे। तो आगे हमारी वीडियोज को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। Thank you.